ऐसे देखे तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो इजी चैप्टर है, सभी ना सभी को आता है, लेकिन कुछ ऐसी माइनर मिस्टेक हम कर देते हैं एमसीक्यू में जिसकी वजह से हमारा एक मार्क्स निकल जाता है। तो इधर इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक देखने वाले हैं, यानी कि एमसीक्यू के लिए जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है वो सब हम देखेंगे कि जिसमें से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज से, जो कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में से आता है। कार्बोहाइड्रेट चैप्टर के अंदर कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके अंदर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज आता है, और इसमें से पास्ट में फार्मासिस्ट एग्जाम में एमसीक्यूज पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। अब जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है वो क्या है, एक मेटाबोलिक डिफेक्ट है। उसमें क्या होता है, किसके अंदर मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स होती है, ग्लाइकोजन के सिंथेसिस के लेकर और ग्लाइकोजन के डिग्रेडेशन के लेकर कुछ डिफेक्ट्स होती है। अब ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि डिस्पोजिशन ऑफ नॉर्मल और एबनॉर्मल टाइप ऑफ ग्लाइकोजन इन वन और मोर टिश्यू। टाइप वो मोस्ट आईएमपी है, हम सबको इसको याद रखना ही है। हम टाइप वाइज देखेंगे कि जो पहला है, यानी कि इसके अंदर एंजाइम तो नहीं पूछते, नाम ही पूछते हैं फार्मासिस्ट एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे हम सब याद रखेंगे। जो पहला टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है वो है 1 गिर्क डिजीज, जो कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उसमें, लीवर, किडनी एंड इंटेस्टाइन, जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंजाइम है उसकी डिफेक्ट की वजह से होता है। दूसरा जो टाइप का है वो है पॉम्स डिजीज, वो सभी ऑर्गन को अफेक्ट करता है। तीसरा जो है वो कोरिस डिजीज, वो लीवर, मसल, हार्ट एंड ल्यूकोसाइट को अफेक्ट करता है। फोर्थ टाइप का जो है वो एंडरसन डिजीज, जो मोस्ट ऑफ टिश्यू को अफेक्ट करता है। फिफ्थ वन है मेकार्लेस डिजीज, जो स्केलेटल मसल्स को डिफेक्ट करता है। और जो नेक्स्ट है वो है हर्स डिजीज, जो लीवर यानी कि हिपेटिक को अफेक्ट करता है। यहाँ पे आप याद रखते हैं कि यहाँ पे एम है तो ये मसल्स में अफेक्ट करता है, यहाँ पे हर्स डिजीज है एच तो ये हिपेटिक यानी कि लीवर को अफेक्ट करता है। आगे देखें तो टोरिस डिजीज, जो टोरिस डिजीज है वो स्केलेटल मसल और इरिथ्रोसाइट को अफेक्ट करते हैं। इसके लिए हम इस सेंटेंस से सभी डिजीज इजी से याद रख सकते हैं। यहाँ पे टोटल 1 से लेकर 7 तक उसके नाम है, जो 7 नाम हम है टाइप 7 के और उसके डिजीज के वो हम ऐसे याद रख सकते हैं। वो पोमी की कार के आगे मेक ने हिल स्टोरी यदि तोड़ दी, तो वो पोमी की कार के आगे मेक ने हिल स्टोरी, तो वो यानी जो पहला डिजीज था कौन सा था, वॉन गिर्क डिजीज। तो फर्स्ट ये हो गया पोमी की कार यानी दूसरा पोम हो गया, तो तीसरा जो था वो कोरिस डिजीज था, फोर्थ वन था जो एंडरसन डिजीज था, फिफ्थ था जो मेकलडेस डिजीज था, सिक्स था वो हिल्स यानी हॉर्स डिजीज था, और 7 जो था वो टोरिस डिजीज था। ऐसे हम सभी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के नाम याद रख सकते हैं, जो एमसीक्यू के लिए मोस्ट आईएमपी है। अब आगे हम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर देखें तो ये उसका जो है एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो हमें याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड है जो प्रोड्यूस करते हैं, उसके हाइड्रोलिसिस से प्रोड्यूस होते हैं। और शुगर उसे कह जाती है जो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सोल्यूबल होते हैं इन वाटर और टेस्ट में स्वीट होते हैं, उसे हम शुगर बोलते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखें तो उसके अंदर मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड्स रहते हैं। अब जो मोनोसेकेराइड्स है उसमें क्या होता है कि 2 टाइप होते हैं, आल्डोस एंड कीटोस। तो इनका बेसिक जो इजी एग्जांपल है वो सबको याद है कि जो रिबोस है वो आल्डोस शुगर में आती है और रिब्यूलोस है वो कीटोस शुगर में आती है, लेकिन उसके अलावा जो और एग्जांपल दिए गए हैं वो हमें याद रखने हैं क्योंकि इसमें से कुछ एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब ओलिगोसेकेराइड्स क्या है, तो वो है कि 2 to 10 मोनोसेकेराइड जब साथ में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ती है तो उसे बोला जाता है ओलिगोसेकेराइड। अब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट चैप्टर का ही एक हिस्सा है। उसके अंदर हमें कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो मोनोसेकेराइड का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसमें हमें कुछ डेफिनेशन याद रखनी है कि ताकि इससे लेकर कुछ एमसीक्यू आए तो हम सोल्व कर सके। असिमेट्रिक कार्बन यानी कि जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो उसे हम असिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। रेसिमिक मिक्सचर के डेफिनेशन, इफ डेक्स्ट्रो एंड लिवो आइसोमर आर प्रेजेंट इन इक्वल कॉन्सेंट्रेशन देन इट इज कॉल्ड एज अ रेसिमिक मिक्सचर। अब ये सब डेफिनेशन बेसिक है, सबको आती ही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उसे पढ़ने को भूल गए तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम इसका फास्टेस्ट रिविजन करने वाले। डेक्स्ट्रोस यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑफ ग्लूकोज, जो काफी क्लिनिकल में सभी जगह हॉस्पिटल में और यूज होता है। नेक्स्ट है एपिमर्स, इफ 2 मोनोसेकेराइड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर कॉन्फिगरेशन अराउंड अ सिंगल स्पेसिफिक कार्बन,
तो उसको बोलते हैं एपिमर, कि सिंगल स्पेसिफिक कार्बन को एक ही कार्बन पे उसका कॉन्फिगरेशन डिफरेंट रहा तो उसको बोलेंगे एपिमर्स। उसके एग्जांपल है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड मैनोस, ये उनके एग्जांपल है। इनांशियोमर किसको बोलते हैं, तो जो एक दूसरे की मिरर इमेज है उसे हम इनांशियोमर बोलते हैं। अब शुगर जो होती है उसके दो टाइप होते हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। जो रिड्यूसिंग शुगर है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर फ्री एल्डिहाइड एंड फ्री कीटो ग्रुप है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है एनोमेरिक कार्बन के अंदर। वहां की नॉन रिड्यूसिंग शुगर में फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटो ग्रुप नहीं रहते। अब रिड्यूसिंग शुगर को डिटेक्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की कुछ टेस्ट रहती है, वो होती है बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट एंड बारफोर्ड्स टेस्ट। ये टेस्ट आपको डिटेल में पढ़नी हो तो आप पढ़ सकते हैं। अब डाइसैकेराइड्स जो है कौन सी रिड्यूसिंग है और कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है, उसके एग्जांपल है माल्टोज एंड लैक्टोज जो है वो किसमें आते हैं, रिड्यूसिंग में, जबकि सुक्रोज और ट्रेक्लोज जो है वो कहा नॉन रिड्यूसिंग में आती है। अब सुक्रोज कैसे बनता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बनता है, और जो लैक्टुलोज है वो गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज से बनता है, तो इसे याद रखना है। अब नेक्स्ट जो है वो है पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेटरोपॉलीसेकेराइड दो टाइप होते हैं। तो यहाँ पे हम होमोपॉलीसेकेराइड देखें तो उसमें क्या होता है कि सेम मोनोसेकेराइड से बाइंड हुए होते हैं, तो उसके एग्जांपल है ग्लूकेन्स एंड फ्रुक्टोसेंस। जब हेटरोपॉलीसेकेराइड की बात करें तो उसके अंदर मिक्सचर्स ऑफ फ्यू मोनोसेकेराइड रहते हैं, हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे। पहला जो पॉलीसेकेराइड है स्टार्च, तो स्टार्च किन दो चीजों से बना होता है, अमाइलोस एंड अमाइलो पेक्टिन से। लेकिन हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो अमाइलोस है वो वाटर सोल्यूबल है और अमाइलोपेक्टिन जो है वो वाटर इनसोल्यूबल है। अब डेक्सट्रिन ये नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड है, वो का ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च, ये स्टार्च के ब्रेकडाउन से होता है। अब उसको हम डिटेक्ट करेंगे तो कैसे, जैसे कि सोल्यूबल स्टार्च हुआ तो ब्लू कलर दिखे मिलेगा, अमाइलोडेक्सट्रिन हुआ तो वायोलेट कलर मिलेगा, और इरिथ्रोडेक्सट्रिन हुआ तो रेड कलर मिलेगा। अब इन्यूलिन, इन्यूलिन क्या है, तो पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज है और वो जीएफआर मेजरमेंट में हम यूज करते हैं, ये तो हम सबको पता ही है। ग्लाइकोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिजर्व इन एनिमल, वो एनिमल के अंदर होता है, और सेल्यूलोज जो है वो इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के सेल वॉल में रहता है। अब म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बात करें तो वो किसका यूनिट होता है, ग्लाइकोसेलेमिनो ग्लाइकेन, यानी कि GAG का ये फॉर्मूला रहता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड का। उसके कुछ एग्जांपल देखें तो पहला है हेलुरोनिक एसिड, वो क्या होता है कि साइनोवियल फ्लूइड्स में होता है जॉइंट्स के अंदर, जो एक ऐसा ल्यूब्रिकेंट्स होता है, यूटेरस और यूटेरस ह्यूमर ऑफ आइस इसके अंदर भी रहता है। नेक्स्ट है हिपेरिन, तो हम सब जानते हैं कि हिपेरिन जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है वो क्या है, एंटीकोएगुलेंट है। अब हम देखेंगे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, तो जो ये सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म, तो जो ग्लूकोज है इज द सेंट्रल मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब मेजर पाथवे से जिसके वजह से कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइट होता है वो हम देखेंगे। पहले किसकी वजह से होता है, ग्लाइकोलाइसिस की वजह से, ग्लाइकोलाइसिस के और दूसरे कौन से नाम है, EMP, एमिडिन मेयर ऑफ पाथवेज। ये हम सब छोटे छोटे टॉपिक है वो याद रखे तो MCQ में काफी हेल्प मिलेगी। उसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होता है कि इसका, तो कि ग्लूकोज में से पाइरूवेट और लैक्टेट का ऑक्सीडेशन होता है, और अगर ATP पूछे गए तो ग्लाइकोलिसिस में टोटल 8 ATP का प्रोडक्शन होता है। साइट्रिक एसिड साइकिल को क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल और TCA साइकिल। उसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होता है ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम का 2-carbon dioxide, तो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है हमें। उसमें टोटल अगर इस तरह से उसका मेटाबॉलिज्म हुआ ग्लाइकोलिसिस के बाद साइट्रिक एसिड साइकिल से, तो टोटल 38 ATP की इनकम होगी। नेक्स्ट है ग्लाइकोनियोजिनेसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस। ग्लूकोनियोजिनेसिस हम किसे बोलते हैं कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर। जब नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर में से ग्लूकोज मिलता है तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजिनेसिस। उसके एग्जाम्पल है अमीनो एसिड एंड ग्लिसरॉल में से जब मिले हमें ग्लूकोज, यानी कि इस प्रीकर्सर में से मिले, तो उसको बोलेंगे ग्लूकोनियोजिनेसिस। नेक्स्ट है ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनेसिस किसको बोलते हैं, उसके अंदर ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है, किसमें से होता है, ग्लूकोज में से जब ग्लाइकोजन बनता है तो उसको हम ग्लाइकोजिनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोजिनोलाइसिस, तो ये किसको बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो ये किसको बोलते हैं, जब ग्लूकोज का यानी कि इस वाला का उल्टा, जब ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज बने तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस, एंड ग्लाइकोजिनेसिस उसे बोलेंगे जब ग्लूकोज में से ग्लाइकोजन प्रोड्यूस होगा। अब हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, यानी कि HMP शंट है,
उसके और कौन कौन से नाम है, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे एंड डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे। इसकी वजह से भी ये क्या है कि एक ऑप्शनल है, यानी कि एक ऑप्शनल पाथवे है, कि जब ऑक्सीडेटिव पाथवे ऑप्शनल है, जब ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल के अलावा इससे भी कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म हो सकता है। वैसे ही उसका जो दूसरा ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होता है वो है यूरोनिक एसिड पाथवे। उसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज में से ग्लाइकोस और यूरिक एसिड एंड पेंटोस शुगर मिलती है इन एनिमल। अगर एनिमल के अंदर यूरोनिक एसिड पाथवे हुआ तो उसके अंदर क्या मिलेगा, एस्कोर्बिक एसिड मिलेगा। नेक्स्ट है गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। उसके अंदर क्या होता है कि गैलेक्टोज में से ग्लूकोज एंड लैक्टोज क्या प्रोडक्शन होता है उसको बोलेंगे हम गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म। उसमें बनेगा फ्रुक्टोज में से पाइरुवेट बनेगा। अब जो ग्लूकोज है वो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टर्स चाहिए उसके, तो रिसेंटली हमारे पास कितने ट्रांसपोर्टर है, टोटल 6, GLUT1 से लेकर GLUT5 उसका ट्रांसपोर्टर है ग्लूकोज के, एंड GLUT7 ये जो है वो 6th उसका ट्रांसपोर्टर है। तो ऐसे हमने जो शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट याद रखे वो हमें एमसीक्यू के लिए काफी हेल्प मिल सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।